A very good morning to you children. To my little ones, again your GK class today is Saturday. So here I am again. A warm welcome to all my brilliant students. All right. So we were doing this chapter. Yesterday only I was telling you about this chapter and if you all remember, we were doing true or false. I hope you remember that we were doing true or false. आपकी book exercise का हमने true false कल किया था, right? All right. कि मैं आपको एक या दो slide repeat करवाऊँगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हमने कल true or false किया था. ये देखिए, if you remember, हमने कल किया था. That India got independence in 1947. आप सबको ये बात याद होगी. All right. But आपकी book में जो exercise है, उसमें true or false में लिखा है कि India को independence मिली 1957 में. तो ये true है कि false? That statement is false. That statement is false. इसलिए मैंने आपको इसमें false लिखा है. Okay, so the statement is false. India को independence मिली थी 1947 में, ना कि 1957. And India has never hosted the Olympics. ये भी हमने कल आपको बताया था. हमने आपको बताया था कि इंडिया में 29 स्टेट्स हैं एंड 9 टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज. सो नाउ दिस इज़ अ न्यू क्लिप, दिस इज़ अ न्यू क्लिप. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेम्स ऑफ सर्टेन सिटीज, कुछ ऐसे शहरों के नाम जो पहले कुछ और थे और अब बदलकर उन्हें कुछ और किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिस सिटी मुंबई को जानते हैं, महाराष्ट्र की सिटी है मुंबई, उसको पहले बॉम्बे कहा जाता था, उसको पहले बॉम्बे कहा जाता था. दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर एंड वी विल डू दिस टुडे. नेम्स न्यू एंड ओल्ड. कुछ बहुत सारी सिटीज़ हैं इंडिया में जिन्हें पहले किसी और नाम से पुकारा जाता था और अब उनके नेम्स चेंज किए गए हैं. हम उन सिटीज़ के बारे में आज बात करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, सी मद्रास. पहले मद्रास के नाम से चेन्नई को जाना जाता था. आज हम जिसे चेन्नई कहते हैं उसे पहले मद्रास कहा जाता था. कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल, इसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था. ये सारे नेम्स ब्रिटिशर्स के दिए हुए थे बच्चों. बॉम्बे है, कलकत्ता है, वाराणसी है, ये सब नेम्स ब्रिटिशर्स के दिए गए हुए थे. बट अब हमने अपने हिंदू इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से, जो हमारी हिंदी देवनागरी लिपि के हिसाब से नेम्स हैं, हमने वो रखे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सी चेन्नई, कोलकाता. ओके, सो हियर बॉम्बे एंड मुंबई. मुंबई. ओडिशा, एंड नाउ इट इज ओडिशा. पहले बुलाया जाता था ओडिशा, ओडिशा, एंड नाउ इट इज ओडिशा. जिस तरह पहले बॉम्बे को, पहले मुंबई को बॉम्बे बुलाया जाता था, सो अभी बॉम्बे, अभी मुंबई बुलाया जाता है. अभी मुंबई बुलाया जाता है. ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड. ये फ़ोन में कुछ गड़बड़ है मेरे. यस, सो ये ओडिशा आज बुलाया जाता है और पहले ओडिशा बुलाया जाता था. अगेन, अब मैं आपको दिखाऊंगी ओडिशा का फेमस जगन्नाथ पुरी टेम्पल. अगर हम बात करें उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा, उड़ीसा नाम ही जगन्नाथ पुरी टेम्पल के
वजह से उड़ीसा फेमस है। सो इसीलिए मैंने आपसे ये पिक्चर शेयर की। देखिए ये जगन्नाथ पुरी का टेम्पल है वहाँ पर, लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल है उड़ीसा में, जिसे पहले, सब बच्चे बोलेंगे मेरे पीछे, जिसे पहले उड़ीसा बुलाया जाता था। ओके, कोची एंड कोचीन, ओल्ड नेम एंड न्यू नेम, बनारस वाराणसी, पहले बुलाया जाता था बनारस और अब बुलाया जाता है वाराणसी। ऑल राइट, यू कैन सी द ओल्ड पिक्चर ऑफ बनारस, और जिसे बदल के हमने नाम बदला और वाराणसी रखा। तो आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए, इंडियन स्टेट्स एंड सिटी के नाम अगर आपको मालूम है तो थोड़ा सा ही मालूम होना चाहिए कि पहले ये शहर किस नाम से जाने जाते थे। जैसा मैंने आपको बताया, मुंबई को लोग पहले बॉम्बे कहते थे, कोलकाता को कलकत्ता कहते थे, एंड वाराणसी को लोग बनारस कहते थे। आज भी कुछ लोग कन्फ्यूज होकर पुराने नामों से बुलाते हैं उन शहरों को। ऑल राइट, दिस इज़ वेरी कॉमन। गुड़गांव दिल्ली के पास ये है, और इसे पहले गुड़गांव कहा जाता था और अब इसका नाम है गुरुग्राम। पौंडीचेरी, इट्स अ ब्यूटिफुल सिटी, बहुत बहुत सुंदर है। आप लोग एक बार इसे गूगल पे ज़रूर सर्च करिएगा, यू विल लव इट। बहुत सुंदर शहर है, ऐसा लगता है जैसे हम कहीं और आ गए, हम इंडिया में है ही नहीं। इतना खूबसूरत और इतना पीसफुल सिटी है पौंडीचेरी, जिसे आज पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। द ओल्ड नेम इज़ पौंडीचेरी एंड द न्यू नेम इज़ पुडुचेरी। ओके, बैंगलोर इज़ एन ओल्ड नेम, बट आज हम इस शहर को बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। बेंगलुरु पहले कहलाता था बैंगलोर। सो द क्लास इज ओवर। आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट दिस एक्सरसाइज एंड सम ओल्ड एंड न्यू नेम्स। सो वी वर डूइंग द चैप्टर नोइंग इंडिया, एंड इन द कमिंग वीक वी विल ट्राई टू फिनिश द चैप्टर। दो इस चैप्टर में एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हैं बच्चों, मैं आपको आराम आराम से कराना चाहती हूँ ताकि आप अपने भारत की एक एक चीज़ इन्जॉय कर सकें। सो माई लिटिल वंस, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी सैटरडे, इन्जॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।